नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गा विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कल कोशिका शुरू किए थे, आज हम लोग कोशिका के बारे में जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोशिका के भीतर गैसों का आर पार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आप लोगों सामने चार ऑप्शन है, विकिरण, विसरण, परासरण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विसरण। कोशिका के भीतर गैसों का जो आर पार होती है वह विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है, इसमें ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वान ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या पुरोकिंजे ने? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरोकिंजो ने। जीव द्रव्य का जो सर्वप्रथम प्रयोग पुरोकिंजो जी ने किया था, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को कुछ शब्दों में अन्य किताबों से परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका कारण यही है कि ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये सब एनसीईआरटी बुक से ही लिखे गए हैं, अन्य किताबों ने अपने इच्छा अनुसार शब्दों को बदल दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? संग्रहण द्वारा, विसरण द्वारा, परासरण द्वारा या वात्पोत्सर्जन द्वारा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, परासरण द्वारा। परासरण द्वारा पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण होता है, इसमें ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की या विटामिन और वसा की? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लिपिड और प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, सेलुलोज की, विटामिन की या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज की। पादप की कोशिका भित्ति जो है वह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और मैं आपको बताना चाहता हूं, सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो ऑप्शन बी सही है, सेलुलोज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? परासरण, एंडोसाइटोसिस, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। और कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में होता है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण से वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इसी प्रक्रिया को ही एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और इसी प्रक्रिया से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? लाइसोसोम में, माइटोकांड्रिया में, केंद्रक में या जीवद्रव्य में? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रक में। क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यूकैरियोट। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोकैरियोट। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट होक, डी डुबे या कैमिलो गोल्जी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, डी डुबे। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी, जिन्हें आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसका कारण यह होता है कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है और कोशिकाओं में जो भी टूट फूट होती है उसे लाइसोसोम अपने अंदर लाकर उसे पाचित कर देता है और उसे साफ कर देता है। और लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। और बाद में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो यही लाइसोसोम फट जाते हैं और पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम के। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? कवक में, ईस्ट में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीले शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिड किसमें स्थित होता है? जीव में, पादक में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पादप में। प्लास्टिड जो है वह पादप में स्थित होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक, स्वान और स्लाइडेन या अल्टरमैन ने? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी स्वान और स्लाइडेन ने। कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? दो, तीन, चार या पांच? प्लास्टिड जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा जो होता है वह लीकोप्लास्ट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्लास्टिड जो होता है इनमें भी अपना डीएनए और प्रोटीन होता है, डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं उसी प्रकार से प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी किसका उदाहरण है? तत्व का, यौगिक का, मिश्रण का, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यौगिक का। चीनी यौगिक का उदाहरण है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह C12H22O11 होता है। यौगिक के जो अवयव होते हैं वह एक निश्चित अनुपात में ही मिले होते हैं और वहीं पे मिश्रण में ऐसा कोई अनुपात नहीं होता है और जो तत्व होते हैं वह शुद्ध होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की पूरी सतह किससे ढकी होती है? स्टोमेटा से, एपिडर्मिस से, सुबरिन से, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी एपिडर्मिस से। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल किसमें होता है? क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो होता है वह क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? शरीर, अंग, ऊतक या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी ऊतक। कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? न्यूटन, सीवी रमन, नील बोर, जेम्स चैडविक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूटन इतने बड़े वैज्ञानिक थे परंतु उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। न्यूटन का जो जन्म हुआ है वह ब्रिटेन में हुआ है और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी दी है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन ने एक किताब लिखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका संबंधित प्रश्न देखे हैं। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग ऊतक के बारे में जानेंगे। कुछ लोगों का कमेंट है कि प्रश्न आसान आसान कराए जा रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक में एक एक पाठ में जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को कराया जा रहा है। और मेरी पहली वीडियो में एक मैंने प्रश्न उसी समय एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि निक्षेपण, निक्षेपण का कोई उदाहरण आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।